हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं मार्वल के रून किंग थॉर का कंपैरिजन डीसी के माइकल डिमरगस से, और देखेंगे कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और डिटेल वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले ओरिजिन। तो अगर बात करें माइकल डिमरगस के ओरिजिन की, तो माइकल और सैमल, जिसे लोग लूसीफर के नाम से जानते हैं, ये दोनों भाई डीसी यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड मिस्टर प्रेजेंस की सबसे पहली क्रिएशंस में से एक है। पर बड़ा होने के बाद सैमल अपने रास्ते निकल गया, पर माइकल ने ऐसा नहीं किया और इसलिए माइकल को मिली डैम एनर्जी। तो अगर बात करें रून किंग थॉर के ओरिजिन की, तो ये टाइम था रैग्नारोक का, जहाँ पर ओडिन पहले ही मर चुके थे और थॉर एसगार्ड का किंग था, और वही लोकी अपनी आदत से मजबूर एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना चाहता था। और रैग्नारोक के चलते थॉर का हैमर म्योनिर भी टूट चुका था, और जब थॉर एकदम अकेला हो जाता है और कोई रास्ता नहीं बचता, तब थॉर ओडिन के रास्ते पर चलने के बारे में सोचता है। और जैसा ओडिन फोर्स थॉर को गाइड करती है, थॉर वैसा ही करता जाता है। थॉर अपनी दोनों आंखें निकालकर मिमिर की वेल में डाल देता है और अपने मरने तक वर्ल्ड ट्री से फांसी लगा लेता है। और जब थॉर और ओडिन की स्पिरिट मिलती है, तब थॉर को बोला जाता है द रून किंग थॉर। पावर्स एंड एबिलिटीज़। तो अगर बात करें माइकल डिमरगस के पावर्स की, तो माइकल डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में नंबर 3 पर आता है। माइकल के सारे पावर्स इनफाइनाइट लेवल से भी ऊपर है, जिन्हें मेजर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। माइकल अपनी पावर से गैलेक्सीज, मल्टीवर्स और डायमेंशन को भी क्रिएट कर सकता है, और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। माइकल रियलिटी रैपिंग भी कर सकता है। साथ ही माइकल के पास है डिवाइन मैजिक, और डिवाइन मैजिक एक ऐसा मैजिक है जिसका तोड़ सिर्फ गॉड के पास है। माइकल इतना ज़्यादा पावरफुल है कि डीसी यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स भी उसे नहीं हरा सकते, सिवाय मिस्टर प्रेजेंस, लूसीफर और स्पेक्टर के। और स्पेक्टर भी ऐसा तभी कर सकता है जब गॉड उसे ऐसा करने को कहे। इन सब से बढ़कर माइकल ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट और इमोर्टल है, यानी सिवाय गॉड के माइकल को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो अगर बात करें रून किंग थॉर के पावर्स की, तो रून किंग थॉर के पास भी काफ़ी ज़्यादा पावर्स है, जैसे ओडिन फोर्स, रूइन मैजिक, रियलिटी रैपिंग, मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, माइंड कंट्रोल पावर्स, टेलीपैथिक पावर्स, डायमेंशन मैनिपुलेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, हाई हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन हियरिंग, थंडर स्ट्राइक और टच टू डेथ जैसी पावर्स है। रून किंग थॉर ने मिडगार्ड के सरपेंट को भी लिफ्ट किया है, और एसगार्डियंस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में थॉर ने बस अपनी एक लाइटनिंग स्ट्राइक से आयरन मैन के आर्मर को भी डिस्ट्रॉय किया है। रून किंग थॉर के पास दुनिया भर का हर नॉलेज है, चाहे वो नॉलेज साइंटिफिक हो या फिर कॉस्मिक। रून किंग थॉर अपने पावर से गैलेक्सीज को क्रिएट कर सकता है और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। साथ ही रून किंग थॉर ने इमोर्टल मैंगोक, जिसके पावर्स की कोई लिमिट नहीं थी, रून किंग थॉर ने उसका भी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दिया था, वो भी बस अपने एक हाथ से। इसके अलावा रून किंग थॉर ने गॉड ऑफ गॉड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है, अपने एक सिंगल एनर्जी ब्लास्ट से 7 सेलेस्टियल्स को भी मारा है। इसके साथ ही रून किंग थॉर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी देख सकता है, एक साथ पूरी ह्यूमन रेस को किसी भी गैलेक्सी या मल्टीवर्स में टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इसके अलावा रून किंग थॉर पूरी तरह से इमोर्टल यानी अमर है, यानी जब तक थॉर खुद मरना ना चाहे वो नहीं मरने वाला। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। तो माइकल डिमरगस और रून किंग थॉर, ये दोनों कैरेक्टर्स अपने अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक है, और इन दोनों ने खुद से भी कई ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स को हराया है, और दोनों के कुछ पावर्स लगभग सेम हैं, जैसे दोनों पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं, रियलिटी रैपिंग कर सकते हैं, और दोनों के पास मैजिक है। पर जहाँ थॉर के पास रून मैजिक है, वही माइकल के पास डिवाइन मैजिक है, और डिवाइन मैजिक का तोड़ सिर्फ गॉड के पास होता है। और गॉड से मेरा मतलब या ओडिन या ज्यूस से नहीं है, बल्कि मेरा मतलब है मार्वल के ओवरऑल गॉड द वन अबव ऑल, और डीसी यूनिवर्स के ओवरऑल गॉड मिस्टर प्रेजेंस है। तो अब कई लोग कहेंगे कि रून किंग थॉर ने तो गॉड ऑफ गॉड्स को भी डिस्ट्रॉय किया है, दरअसल वो गॉड्स और कोई नहीं बल्कि सेलेस्टियल्स थे। तो अगर इस बैटल में मुझे किसी को अपना वोट देना हो, तो मेरा वोट यहाँ माइकल डिमरगस के साथ है, क्योंकि माइकल सन ऑफ गॉड है। और अगर मैं बात करूँ मार्वल के ऑफिशियल कैरेक्टर डाटाबेस की,
तो उसके अकॉर्डिंग रून किंग थॉर इस बैटल का विनर है और कैरेक्टर डाटाबेस के अकॉर्डिंग थॉर आगे है उसके कारनामों की वजह से, जैसे इमोर्टल मैंगोक को एक हाथ से मार देना, गॉड ऑफ गॉड्स को डिस्ट्रॉय करना और बियॉन्डर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है उन्हें प्लीज कहने पर मजबूर कर देना। तो मैंने अपना और कैरेक्टर डाटाबेस का ओपिनियन दे दिया है, बट हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं इसलिए हर एक फ़ैन का ओपिनियन हमारे लिए मायने रखता है। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना वोट देना हो तो आप ऊपर आई बटन पर भी अपना वोट दे सकते हैं। तो ये था एक कंपैरिजन माइकल डिमरगस और रून किंग थॉर के बीच। तो अगर आपको इस बैटल से रिलेटेड अपना ओपिनियन देना हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम आपसे जल्दी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड बी सेफ।